साइकाइट्री जो है वो दिमाग बॉडी पूरी की पूरी साइकोलॉजी का खेल है, तो मुझे लगा क्यों नहीं न्यूरो साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट को डील किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में स्ट्रेस हमको इमेजिनेशन में होता है, क्या क्या आपके स्ट्रेसेस अंदर के हैं और क्या क्या आपके स्ट्रेसेस बाहर के हैं, क्या स्ट्रेस सच्ची में बुरा है, एक होता है अच्छा स्ट्रेस, एक होता है बहुत बुरा स्ट्रेस, तो अच्छा स्ट्रेस जस्ट इन द राइट अमाउंट हम सबको जरूरत है, आपको मुझको। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रेस कभी नहीं चाहते हैं, अगर स्ट्रेस से मुक्ति चाहते हैं, अगर स्ट्रेस से छुटकारा चाहते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखना। 3 पार्ट्स में बनाऊंगी, क्या होता है स्ट्रेस, क्या होते हैं स्ट्रेसर्स, व्हाट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, एंड अ लॉट मोर, सब कुछ रिलेटेड टू द न्यूरो साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। माई नेम इज डॉक्टर अराधाता एंड आई एम योर साइकाइट्री फैकल्टी एट मेडेड PW, बिकॉज साइकाइट्री जो है वो दिमाग बॉडी पूरी की पूरी साइकोलॉजी का खेल है, तो मुझे लगा क्यों नहीं न्यूरो साइकोलॉजी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट को डील किया जाए, क्योंकि हम सब स्ट्रेस पे रहते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस ऐसी चीज है जो हम सबको महसूस हुई है, जब दबाव पड़ता है किसी चीज पे तो कहते हैं यार बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है, एंड दैट्स सो ट्रू, वी ऑल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स एंड स्ट्रेसर्स, सब पे अलग अलग चीज का दबाव है, राइट? तो स्ट्रेस से नहीं डरना है, क्योंकि स्ट्रेस को मैनेज करना है, कैसे करना है बताती हूँ। पर सबसे पहले द न्यूरो साइकोलॉजी, द फंडामेंटल, ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो परसीव करता है कि यार तुम स्ट्रेस हो बॉस। आई गिव यू 3 सेकंड्स। अगर आपने एमिग्डाला बोला है तो आप करेक्ट हैं, एब्सोल्युटली। एमिग्डाला ब्रेन में टेम्पोरल लोब में ऐसा पार्ट होता है जो कि आमंड जैसा दिखता है, बादाम जैसा दिखता है, शायद इसलिए मम्मी कहती थी बादाम और खाओ, द एज ओल्ड प्रोवर्बियल जोक की शायद उससे मेमोरी बढ़ती है, बट द रियलिटी इज दैट डेफिनेटली आपका एमिग्डाला सेंस करता है इवन बिफोर यू रजिस्टर कॉग्निटिवली कि यार कोई तो स्ट्रेस है मेरी लाइफ में। अब जब स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज बेसिकली एनी काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू अ डिमांड विच मे बी रियल और इमेजिन्ड, क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में स्ट्रेस हमको इमेजिनेशन में होता है, करेक्ट और नॉट? स्ट्रेस एक्चुअली हुआ नहीं है, बट हमारे ब्रेन ने परसीव कर लिया है कि यार समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, समथिंग हॉरिबल इज गोइंग टू हैपन, विच इज वाई वो स्ट्रेस परसीव करना स्टार्ट कर चुका है, राइट? तो अब कैसे मैनेज करें इस स्ट्रेस को, क्या करें इस स्ट्रेस के साथ? छोड़ दें, आप छोड़ दो पर ये नहीं आपको छोड़ेगा, तो स्ट्रेस के साथ क्या किया जाए, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड इनटू स्ट्रेस मैनेजमेंट द न्यूरोसाइक वे, डॉक्टर अराधाता वे, जो ओनली 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 ऑन PW मेडेड आपको मिलेगा। तो एक पेपर निकालो, एक पेन निकालो, और ये वीडियो को क्वेश्चन सुनने के बाद पॉज करना, ठीक है? एक लाइन बनाओ बीच में और एक साइड लिखो इंटरनल और एक साइड लिखो एक्सटर्नल, और लिस्ट करो आपके सारे के सारे स्ट्रेसर्स, जी हाँ जो भी मन में आए, क्या क्या आपके स्ट्रेसेस अंदर के हैं और क्या क्या आपके स्ट्रेसेस बाहर के हैं। इन अ नटशेल समझाती हूँ, जो भी चीज आपके माइंड बॉडी के अंदर है वो इंटरनल स्ट्रेसर्स हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस के थ्रू है वो इंटरनल स्ट्रेसर्स हैं, जो बाहरी दुनिया से रिलेटेड है वो एक्सटर्नल स्ट्रेसर है। जैसे नीट की डेट इधर उधर शिफ्ट होना एक्सटर्नल स्ट्रेसर है, नीट में अच्छा परफॉर्म करना इंटरनल स्ट्रेसर है, राइट? इसी तरह कोई अगर मेरा दरवाजा खटखटा दे और मुझे इंटरप्ट कर दे तो वो एक्सटर्नल परेशानी है, मगर अगर मैं अंदर से ही कॉन्सेंट्रेट ना कर पाऊं तो वो इंटरनल परेशानी है। यू गॉट द डिफरेंस? तो वीडियो पॉज कर लो, मैं देती हूँ आपको 2-4 सेकंड देती हूँ सोचने के लिए। मैं भी अपने स्ट्रेसेस के बारे में सोचती हूँ, मैं ये एक्टिविटी ना वो काफी सालों से बार 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 करती रहती हूँ, और इसलिए करती हूँ क्योंकि अब जब हम समझ गए कि स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस को मैनेज करना स्टार्ट करना चाहिए, राइट? बिकॉज क्या स्ट्रेस सच्ची में बुरा है? क्या रियली स्ट्रेस बहुत बुरा है? If the answer is yes, then you are wrong, my dear friend. Stress by default बुरा नहीं है। एक होता है अच्छा stress, एक होता है बहुत बुरा stress. तो अच्छा stress just in the right amount हम सबको जरूरत है, आपको मुझको। The reason why आप पढ़ाई करना start करते हैं और मैं काम पे अपनी attendance लगाने time पे जाती हूँ is because of the EU stress, EUSTRESS. अच्छा stress, optimum amount of stress, एकदम optimum amount of stress. मगर उसको जब हम दूसरे टेंजेंट दूसरे एक्सट्रीम पे ले जाएंगे ना तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस, मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस, मछली की तरह तड़पना, दैट इज नॉट गुड फॉर एनीबडी, डेफिनेटली। तो अब स्ट्रेस को हम कैसे यू स्ट्रेस पे रेंज में रखें और कैसे डिस्ट्रेस में ना होने दें, उसके लिए पहले इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड करते हैं। इसका
मैं आपको और इलैबोरेशन दूंगी पार्ट टू में, बट उससे भी पहले एक और चीज करिए मेरे लिए, एक स्केल बना लीजिए, जैसे स्केल बनाते हैं ऐसे करके, और उसमें एक बीच में एक नंबर डाल दीजिए 5, नीचे डाल दीजिए 0 और सबसे ऊपर डाल दीजिए 10, राइट? तो ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, जैसे वैक स्कोरिंग होती है ना, विजुअल पेन स्केल, जब हम कहते हैं कि आपको ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 कितना पेन हो रहा है, वैसे ही कोई भी स्ट्रेसर ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 कितना स्ट्रेसफुल है आपके लिए, वो एक समझ लेते हैं पहले। तो आपने कुछ स्ट्रेसर रखे थे इंटरनल एक्सटर्नल में, राइट? अगर नहीं भी कर पाए हो बायफर्केट, कोई बात नहीं, कोई भी एक स्ट्रेसर ले लो उसमें से। जैसे कि मैंने ले लिया, मान लो मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत स्ट्रेसफुल लगता है, राइट? तो ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 वो कितना स्ट्रेसफुल है, 10 बीइंग द मोस्ट, 0 बीइंग द लीस्ट, मान लो वो मेरे लिए अराउंड 7 या 8 स्ट्रेसफुल है। अब कोई और टॉपिक लो जो आपको बहुत सही लगता है, यू नो इट लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, उस सब्जेक्ट उस टॉपिक को आप डाल दो कम स्ट्रेसफुल वैल्यू पे, 0 के 2 के आसपास, मे बी 1-2 के आसपास, मे बी इवन 0 अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है उससे, और 5 हो गया एक एवरेज स्ट्रेस। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो डोंट थिंक दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्ट्रेसफुल, डोंट थिंक दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इजी, डोंट थिंक दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम वे। कैसे मैनेज करना है डिपेंड करता है कोई चीज आपके लिए कितनी डिफिकल्ट और कितनी इजी है, और वो ही आपके स्ट्रेस लेवल्स को डिटरमाइन करती है, करेक्ट? जैसे मेरे कुछ पेट टॉपिक्स थे जो मुझे बड़े सही लगते थे, आई कुड रिमाइंड, यू नो, आई वांटेड टू स्टडी देम ओवर एंड ओवर अगेन, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें भागती थी और वो स्ट्रेसफुल टॉपिक थे। तो रिमेंबर, अगर भागते रहोगे वो पीछे आता रहेगा, इसलिए उसको डील करना जरूरी है। सो ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 पहले हम अपने सारे स्ट्रेसेस को मार्क्स देना शुरू करेंगे। इवन नॉन अकेडमिक चीजों में आप ये कर सकते हैं, मान लीजिए यू हैव टू गो टू अ पार्टी एंड यू आर सोशली एंशियस, आपको डर लगता है, मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है आपके डिपार्टमेंट में, दैट्स वेरी नर्व रैकिंग एंड स्ट्रेसफुल, तो वो आपके लिए अबव 5 स्ट्रेस हो गया, राइट? और बिलो 5 हो गया समथिंग ईजी, मे बी आप डांस पे बड़े अच्छे हैं, मेरे लिए अबव 5 डांस है, आपके लिए शायद बिलो 5 हो सकता है। तो ऐसे करके अपने स्ट्रेसेस को पहले समझिए, उनको थोड़ा सा मार्क्स दीजिए, आप भी मार्क्स दे सकते हैं कि कौन सा कितना स्ट्रेसफुल है, बिकॉज द न्यूरोसाइकोलॉजी बिहाइंड दैट इज व्हेन देयर इज अ हायरार्की यू कैन अंडरस्टैंड बेटर वेयर टू स्टार्ट टैकलिंग, बिकॉज सबसे ज्यादा टफ इस चीज ना करके धीरे से ऊपर जाना आसान रहता है। ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है, और इंटरनल एक्सटर्नल मैंने इसलिए करवाया क्योंकि पार्ट टू में बताऊंगी व्हाट टू डू अबाउट स्ट्रेसर्स दैट आर अंडर योर कंट्रोल एंड व्हाट टू डू अबाउट स्ट्रेसर्स दैट आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। सो स्टूडेंट, आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कॉमेंट सेक्शन कि कौन सी आपको 0 to 10 स्ट्रेसर्स में क्या क्या अबव 5 लगते हैं और क्या बिलो 5 लगते हैं और क्या एकदम सॉलिड 50-50 लगता है। And I'll see you in the next one. My name is Dr. Ira Datta. On behalf of Psychiatry Faculty at PW MedEd, please don't be stressed. We are here to take care of you. Aap padhte rahiye. Thank you.